रूट अंडर 3 इंटू 3 क्रॉस 5 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट टू द पावर माइनस 3, 3 टू द पावर माइनस 1 रूट 5 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 5 टू द पावर 6 इक्वल टू 3/5। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये 3/5 आ रही है कि नहीं। तो चलिए हम करते हैं, बस पावर का खेल है। जितने भी रूट वाले टर्म है उसको 1/2 लिख सकते हैं। तो 3 मैंने यहाँ लिखा है 3 क्रॉस 5 माइनस 3 को 1/2 प्लस 3 टू द पावर माइनस 3, ये रूट अंडर 3 है ठीक है, तो 1/3 होगा ठीक है। रूट 5 है 5 1/2, 3 इंटू 5 टू 1/6 ओके ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 टू 5 टू द पावर माइनस 3 को से मल्टीप्लाई करने पर 3 को पावर 1/2 आ गया, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3/2 आ गया ओके। डिवाइडेड बाय 3 का पावर माइनस 1/3 और 5 का पावर 1/2 आ गया, वही 1/2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 1/6 को 3 से, और फिर 5 का 6 इंटू 5 का पावर 1 आ गया ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये डिवाइड ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो आपको पता है क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ भी हम देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट बेस सेम है, तो हमें नहीं, ये मल्टीप्लाई में पहले ही हम हटा देते हैं, पहले इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा कि ओके बेस सेम नहीं है क्योंकि ये चीज़ें डिफरेंट है ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 और 5 के बीच में जैसे मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है, 3 टू द पावर 1/2, 3 और 3 को ठीक है, 3 का जो बेस है 3, इस 3 को, इस 3 को और इस 3 को एक साथ लिख देंगे ठीक है। तो क्योंकि डिवाइड में है ये वाले 3 तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/3 होगा ओके। 1/3 माइनस 1/2, सॉरी 1/2 माइनस 1/3 और देन प्लस 1/2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई था ठीक है। सेम चीज़ इससे करेंगे, डिवाइड वाले टर्म को माइनस करेंगे और दूसरे वाले टर्म को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितने आ जाएगा, 3 टू द पावर 6/6 आ जाएगा, और 5 टू द पावर माइनस 2 जो कि हो जाएगा 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर माइनस 1, तो माइनस 1 3 टू द पावर 5 है, ये हमारा RHS आ गया ठीक है।